दिवाली का त्योहार है और चारों तरफ त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में इन दिनों काफी रौनक लगी हुई है। लोग अपने घरों के बाहर जगमगाती हुई लाइटें लगा रहे हैं ताकि दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा सके। तो वहीं इसी के साथ लोग धनतेरस की भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इस दिन खास खरीदारी जो करनी है। धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बड़ा ही महत्व है। धनतेरस का यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन लोग सोने या चांदी के आभूषणों आदि की खरीदारी भी करते नजर आते हैं। इस बार धनतेरस की तारीख 2 दिन रहने से लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर धनतेरस किस दिन है और किस दिन नहीं। अगर आप भी धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि धनतेरस 29 अक्टूबर को है और इसका शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगा और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। धनतेरस का खरीदारी शुभ मुहूर्त इस दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहने वाला है और बात करें दूसरे मुहूर्त की तो वो है 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक। तो वहीं गोधुली मुहूर्त, जी हाँ, इसमें भी खरीदारी की जाती है। इस दिन गोधुली मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहने वाला है और वहीं पूजन का मुहूर्त अगर आपको बताएं तो वो शाम को ही किया जाता है। बता दें कि 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से लेकर रात 8:31 तक पूजा का मुहूर्त है, यानी धनतेरस पूजन के लिए 1:42 का वक्त आपको मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको धनतेरस की रेसिपी बताएं तो धनतेरस के दिन पूजा के बाद माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को उनका प्रिय भोग लगाना होता है। इस दिन आप इन्हें मखाने और दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाने की विधि काफी आसान है। खीर बनाने के लिए आपको मखाने, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर की जरूरत पड़ती है। तो वहीं इसी के साथ आपको बताएं कि इस दिन क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं। तो आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी, झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है और इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल धन्वंतरी का मुख्य धातु माना जाता है और इसी दिन आपको बाजारों में बहुत भारी भीड़ दिखाई देती है, जो कि लोग खरीदारी करने में जुटे रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।